अभी पता चला है कि आदिल की जो नई गर्लफ्रेंड है 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। 3 साल पहले? 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी और मेरे हेयर मेकअप वाले बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। जब उसको सोशल मीडिया में देखा तो मैंने आदिल को मैसेज किया कि आदिल तुम्हारी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर ये तुमने क्या कर लिया आदिल? अगर आपको कोई लड़की को, पहली बात तो आप कुरान पे हाथ रख के बोले कि तुम्हारे सिवा कभी किसी को पटाऊंगा नहीं, तुम्हारे सिवा कभी कोई शादी करूंगा नहीं, तुम्हारे सिवा मेरा शादी से भरोसा उड़ गया है। अभी प्यार शादी अच्छी से भरोसा उड़ गया है मेरा, इंसानियत से भरोसा उड़ गया है मेरा, मेरी जिंदगी बदतर हो गई है। राखी जी, आपको 3 साल पहले कैसे पता, सॉरी 3 साल हो गए शादी को, कैसे पता चला कुछ अगर आप बताइए? देखिए, जब से वो लड़की के सोशल मीडिया में जो फोटोज आए हैं उनके एक्स हस्बैंड, उसके एक्स जो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरा दिखने दे, मुझे मिलने भी बुलाया हुआ है, मैं जाऊंगी। मैं आदिल को सोचना चाहिए था, बहुत मौके दिए आदिल को, बहुत हिंट दिए, मेरी माँ ने आदिल को बहुत समझाया, मेरी बेटी को दुख मत देना बिग बॉस जाने से पहले। इतनी लड़कियों के साथ अफेयर्स थे, अभी मुझे भर भर के आदिल ने जिन जिन लड़कियों के साथ अफेयर्स किए थे सबके मैसेज आए मुझे। हमारे साथ भी अफेयर था, वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था, वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था। मैं बोला तो मेरे साथ क्या था आदिल, मैंने तुम्हें दिल से चाहा था आदिल, मेरे सपनों के राजकुमार तुम थे, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी थी आदिल। मेरा राखी, जैसे कि आपने कहा आदिल ने आपको बहुत मारा पीटा, उसके बारे में क्या कहना है? आदिल और वो लड़की का पूरा प्लान था, वो दोनों हमेशा प्लान करते थे। आदिल को मैं बोलती, आदिल तुम मुझे इतना क्यों मारते हो? आदिल मैं मीडिया में चली जाऊंगी, बोलता हाँ कौन तुम्हारा यकीन करेगा। तो जब जब मारा है, थैंक गॉड के मैंने सारे प्रूफ रखे थे हॉस्पिटल के वगैरह। उससे रात भी मारा था, उस लड़की ने फोन करके बोला तुम आओ, वो मैं आदिल को जाने नहीं दे रही, उनकी बॉडी पे लव बाइट्स इतने सारे, इधर दाग उधर दाग। आदिल को कहते कहते अपना घर मत तोड़ो आदिल, आदिल मेरा कोई नहीं तुम्हारे सिवा, आदिल मेरा कोई नहीं आदिल तुम्हारे सिवा, अपना घर मत तोड़ो आदिल। माँ चली गई आदिल, माँ मर गई आदिल, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा आदिल। आदिल ने नहीं सुना, आदिल ने मुझे जोर से धक्का मार के उसको फिर भी पकड़ा, पैर पकड़े, पैर पकड़ते पकड़ते, शर्म आती है मुझे कहना, इतना घसीट के वो क्रम से दूसरे दरवाजे तक लेकर गए कि मेरा पी हो गया, पी हो गया। आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर लगाना पड़ा होगा मुझे उनको रोकने के लिए। वाह तनु वाह, क्या आप दूसरों के हस्बैंड छिनना कोई तुमसे सीखे,
तनु तुमने मेरा घर खराब किया है, अगर मैंने मेरे खुदा की थोड़ी भी खिदमत की है मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कोई बदला नहीं, कोई रिवेंज नहीं लूंगी, मैं एक मिट्टी हूं, मेरी औकात ही क्या है, मेरे देश की जनता, मेरे फैंस, मेरा खुदा वो मेरा रिवेंज लेंगे। अब तो मुझे जिंदगी जीने को भी दिल नहीं कर रहा, बगैर आदिल के क्या जिंदगी है मेरी बताओ, क्या जिंदगी है मेरी, इतना चीट आदिल, आदिल पैसों से लेकर मार से लेकर गर्लफ्रेंडों से लेकर हर चीज राखी सावंत ने सही, आदिल आपके मम्मी के मौत का जिम्मेदार रहा हो आदिल ने, क्योंकि आदिल ने 10 लाख की मदद ली थी, आप बिग बॉस में गए थे 10 लाख रुपया देख गए थे आदिल। मैं जाने से पहले एक चेक देकर गई थी, मेरे बैंक का स्टेटमेंट आप सबको भेज दूंगी, रादिल प्रोडक्शन के नाम से, राखी और रादिल का रादिल प्रोडक्शन के नाम से, कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, आप इसमें पैसे डाल के मेरी माँ का इलाज भी कराना और थोड़ा बहुत स्टोरी या राखी है वो करना। तो आदिल ने बोला ओके डोंट वरी, मैं चेक लिख कर गई थी, उन्होंने रादिल प्रोडक्शन में जो है खुलाया, लेकिन उसमें झूठा गुमस्ता दिया, झूठा प्रोप्राइटर जो रहता है ना मेरी कंपनी में वो दिया, 10 लाख का चेक डाला, मेरी माँ के इलाज के लिए उसमें से पैसे नहीं दिए। मेरी माँ तड़पती रही, मर गई, जितना पैसा तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे उड़ाया है होटलों में, ट्रैवलिंग में, शॉपिंग में, अय्याशियों में, मेरी माँ की जान बचा लेते ना थोड़े पैसे देकर, उसमें से MRI डॉक्टर ने इमिडिएटली बोला था कैंसर के लिए, बहुत सारी चीजें बोली थी, तुमने नहीं की। मेरी माँ ट्रोमा में चली गई, मैं बिग बॉस में थी, मेरी माँ ट्रोमा में चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू आदिल। ये तो मुझे मेरे भाई भाभियों ने सबने बताया, हमने आदिल को इतना फ़ोन किया, आदिल लोनावाला के रेस्ट हाउस में डांस कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था, बाहर म्यूजिक आ रहा था, मेरे भाई भाभियों ने कहा कि आदिल मम्मी के लिए पैसे भेजो, आदिल राखी बोल के गई है, राखी बोल के गई है, आदिल मेरे को फ़ोन मत करो भाभी, मैं बिजी हूँ, भाभी मेरे को फ़ोन मत करो। फिर एक दिन मैसूर की पुलिस जो है आदिल को 1 तारीख को उठा कर लेकर गई थी, 2 दिन जेल में रखा था वहाँ मैसूर में। क्यों क्यों? आदिल पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है, वो आप लोग फाइंड आउट कीजिए, आप मीडिया वाले, मुझे नहीं पता। आप पकड़ो उनको, मिलो, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है। आदिल को भी कई लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? दुनिया है जिसको समर्थन करना है करे, लेकिन आपके साथ आदिल आने वाले आदिल से कड़े सवाल पूछने चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं कर रहे। मुझे ईश्वर सपोर्ट कर रहा है, मेरे फैन सपोर्ट कर रहे हैं, इतना काफी है। जो आदिल को सपोर्ट कर रहे शायद उनके घर में माँ और बहनें नहीं होंगी, उनके साथ बितानी होगा। माँ मेरी मरी है, हस्बैंड मेरा गया है, तो दुख मुझे हुआ है, चीटिंग मेरे साथ हुई है, तो शायद वो मेरा दर्द नहीं समझ सकेंगे। सलमान भाई को पता चला क्या ये बात? राखी छोटी छोटी बातों में सलमान भाई को बीच में न लाया प्लीज। राखी अभी आप पुलिस चौकी गए थे क्या, आदिल के खिलाफ कंप्लेन करने गए थे या किसी और के खिलाफ? नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, वो इसीलिए कि आदिल के पास एक चाबी है, तो ऐसा ना हो कि रात को दरवाजा खोल के आ जाए, यू नो, आप समझ सकते हैं। और मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि एक पैर चाबी है तो चाबी मंगवा लीजिए प्लीज, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आदिल एक मौका मांगेंगे तो आप देंगे उनको? आदिल को मैं बहुत मौके दे चुकी हूँ, बहुत मौके।
आज माफ करूंगी, दो महीने बाद सेम करेगा। सही बात है। दो महीने बाद माफ करूंगी, अभी माफ कर दूंगी, छह महीने बाद वापस करेगा। सही बात है। आदिल ने आपसे कुछ कांटेक्ट किया अभी तक? थैंक यू मैम। रुको रुको, आदिल ने कुछ कांटेक्ट किया आपसे? हाँ। क्या बोले? सुबह तक, कल तक मैं उनसे बात करना चाह रही थी। मैं कह रही थी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मैंने आदिल को कहा वापस आ जाओ, बट कल रात को भी वो उसी के साथ थे। ये कोई होटल है? बता दूँ, रेसिडेंसी होटल। बताओ बताओ। नहीं दिखा नहीं सकता। नहीं नहीं, रेसिडेंसी होटल में वो लोग। मेरा रोड में, मेरा रोड। पता नहीं कहाँ पे। हाँ, मुझे नहीं पता। ये वो लोग अच्छा है ना, एंजॉय कर रहे हो ना आदे, बीवी को छोड़ के, जिस बीवी ने आपको सब कुछ दे दिया। भगवान माना था। मेरा भगवान माना था आपको आदिल, मुझे प्यार करने वाला देवता माना था आदिल। कुरान की कसम खा के भी धोखा किया। जिसने ऊपर वाले को नहीं छोड़ा वो इंसान को क्या छोड़ेगा। कसमें वादे प्यार वफा सब धोखे है, वादों का क्या, कोई किसी का नहीं वो छूटे, झूठे वादे हैं वादों। लेकिन आदिल तो आपकी वजह से फेमस हुआ ना। बस शुक्रिया। अब फातिमा का क्या होगा? फातिमा हमेशा रहेगी, फातिमा हमेशा रहेगी। मैं जाऊंगी, रोजे भी करूंगी, उमरा भी जाऊंगी, विदाउट आदिल मैं जाऊंगी। बस शुक्रिया। इंसान चला गया है, खुदा वही है, खुदा को नहीं छोड़ूंगी। चलिए, आप तो खा लो पी लो प्लीज। पानी तो, पानी तो करा दीजिए, पानी तो ना रख दो। बताती हूँ।